एक्चुअली सर वो अभी कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है उनको कि अपने लोगों को डीजल नहीं मिलेगा, इसीलिए बहुत ज्यादा करके वो पेट्रोल भराने आ रहे हैं। पहले कब से ये भीड़ है? कल रात से। और कितना पेट्रोल भर रहे हैं लोग? टैंक फुल करा रहे हैं 500, 600, 1000 ऐसा समथिंग अभी चालू है पूरा। लोगों लग रहा कि ऐसे भी अपना पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे क्या जाएंगे करके। जो ट्रांसपोर्ट वालों की जो चालू है उनकी वजह से पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, तो लोग अपने पेट्रोल की टैंक है वो फुल करा रहे फिलहाल में, लेकिन जो पब्लिक को है वो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है इनकी वजह से। तो ये नहीं होना चाहिए था ना, जो भी है वो पब्लिक को भी झेलना पड़ता है। तो बड़े लोग है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बे लोगों का काम धंधा छोड़ के लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैंने भी अपनी टैंक अभी फुल करा ली। कितना समय लगा आपको यहाँ पे? फिलहाल तो अभी 1 घंटा लग रहा है एवरेज पकड़ के। लोग अपने काम धंधे छोड़ के 9 बजे का टाइम जो होता है ऑफिस का सब छोड़ के लाइन में लग रहे हैं लोग। मैं मध्य प्रदेश से ड्राइवर हूँ, नागपुर में रहता हूँ, लेकिन जो आप ये लागू किया है कानून, ये हमारे फायदे में नहीं, किसी के फायदे में नहीं है। हम चक्का जाम भी नहीं करेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे, हिंसा भी नहीं करेंगे, सिर्फ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है। 10 साल हम जेल काट नहीं सकते हैं, परिवार रोड पे आ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे सर? आपको ही हमेशा वोट करते आया हूँ, अब ये वोट का आपने हमें इनाम दिया है, बीजेपी का कमल जो खिला उसका आपने हमें इनाम दिया है। कुछ नहीं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हम सब ड्राइवर भाइयों का एकदम से ये कानून लगाया गया है इसको वापस लें प्यार से। हम लोग कोई हिंसा नहीं करने वाले, सिर्फ स्टीयरिंग छोड़ देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपके बगल में बैठने वाला स्टीयरिंग वाला ही है, आपको ले जाने वाला स्टीयरिंग वाला ही है, दूसरा और कोई नहीं है। हम उसमें हमारी जान जाती है, रोड में पब्लिक मारती है हमें, जूते लात मारती है, पुलिस मारती है, हर कोई हमें मारता है, कोई बचाने वाला हमें नहीं है, कोई नहीं है। पब्लिक अभी यहाँ जाऊंगा वो भी गाली दे के जाएगा, सब गाली दे के जाते हैं, हमें कोई बचाने वाला नहीं है।